लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी नेता दशरथ भगत की मांग और पहल पर आज जूईनगर की रेलवे कॉलोनी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हो गया। आज यहां रेल कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने कोरोना की दूसरी डोज ली। इस अवसर पर बीजेपी नेता दशरथ भगत, निवर्तमान नगर सेविका वैजयंती भगत और रूपाली भगत समेत कई रेल अधिकारी भी मौजूद थे। युवा नेता निशांत भगत ने इस अवसर पर कहा कि लोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर से चिंतित हैं, इसलिए जल्द टीकाकरण जरूरी है। निशांत भगत ने सानपाड़ा की सोसाइटियों में ऐसा वैक्सीन सेंटर बनाने की मांग की जहां 100 या उससे अधिक फ्लैट हैं। निशांत भगत ने कहा कि सोसाइटियों में ऐसा वैक्सीन सेंटर होना चाहिए जहां 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों का एक साथ टीकाकरण हो सके। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही यह जूईनगर की रेलवे कॉलोनी है, जहां नवीन भाई मनपा की मंजूरी के बाद कोरोना वैक्सीन सेंटर की आज शुरुआत हुई है। बीजेपी नेता दशरथ भगत की मांग के बाद शुरू हुए इस कोविड वैक्सीन सेंटर में आज रेल कर्मचारियों के साथ ही जूईनगर के तमाम नागरिकों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस अवसर पर बीजेपी नेता दशरथ भगत, निवर्तमान नगर सेविका वैजयंती भगत और रूपाली भगत समेत कई रेल कर्मचारी भी मौजूद थे। युवा नेता निशांत भगत ने यहाँ वैक्सीन सेंटर चालू कराने पर मनपा प्रशासन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की खबर से लोग चिंतित हैं, इसलिए जल्द वैक्सीनेशन की जरूरत है। निशांत भगत ने 100 से अधिक फ्लैट वाली सभी सोसाइटियों में टीका केंद्र बनाने की मांग की, ताकि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का एक साथ टीकाकरण हो सके। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जसं विविध आरोग्य केंद्रावर आणि महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये मोफत वॅक्सिन दिलं जाते, तसंच या ठिकाणी मोफत वॅक्सिन दिलं जाते। मी जुईनगरमधील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की ज्या ज्या लोकांचे 45 दिवस पूर्ण झाले असतील त्यांनी या ठिकाणी सेकंड डोस घेण्यासाठी 42 दिवस पूर्ण झाले असतील त्यांनी या ठिकाणी सेकंड डोससाठी घेण्यासाठी या ठिकाणी यावे। नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडं मागणी करतोय की वैक्सीन सेंटरवर गर्दी होऊ नये आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये सेंटर्स अवेलेबल करावेत, जेणेकरून गर्दी होणार नाही आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही। ज्या ज्या सोसायटीमध्ये 100 आणि 100 पेक्षा जास्त फ्लॅट्स असतील त्या ठिकाणी प्रत्येक सोसायटीमध्ये, मग ज्या ठिकाणी 100 फ्लॅट म्हणजे त्या ठिकाणची लोकसंख्या 400 जाते, मग त्या ठिकाणी 100 आणि 100 वरती जे फ्लॅट्स असतील अशा प्रत्येक सोसायटीमध्ये वॅक्सिन सेंटर त्या ठिकाणी चालू करावेत आणि त्याची मागणी आम्ही वारंवार सुरुवातीपासून करत आहोत। आणि त्या ठिकाणी मुद्दा असा आहे की कुठल्याही प्रकारचं वयाचं बंधन जर आपण सोसायटीमध्ये आपण चालू करतोय तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं वयाचं बंधन नसावं। सरसकट त्या ठिकाणी 18 ते सिनियर सिटीजनपर्यंत प्रत्येकाला त्या ठिकाणी वॅक्सिन देण्यात यावं अशी मागणी आयुक्त साहेबांकडे करण्यात आलेली आहे। इस अवसर पर रेलवे कॉलोनी के डॉक्टर और नागरिकों ने भी कोविड वैक्सीन सेंटर शुरू करने पर बीजेपी नेता दशरथ भगत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ सबके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है ताकि लोग आसानी से आकर अपना कोरोना टीका लगवा सकें। यहाँ पे हम लोगों ने नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सहकार्य से यहाँ पे वैक्सीन सेंटर चालू की है, जहाँ पे हम लोगों ने हर एक डिपार्टमेंट अलग रखा है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आगे वैक्सीनेशन एंड लास्ट में जो रहता है तो ऑब्जर्वेशन।
तो ये हमको जो सहकार्य हुआ है नगर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बहुत अच्छा सहकार्य हुआ है। स्थानिक नगर सेवक भी उन्होंने भी सहकार्य किया है और अच्छी सी व्यवस्था की गई है जहाँ पे हम 100 से 150 वैक्सीनेशन पर डे कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जैसा आया है इंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक हम लोग खाली 45 के अभी ले रहे हैं, उसमें भी सेकंड डोज वाली ले रहे हैं और कोविशील्ड ही यहाँ पे अभी चल रहा है। जैसे आगे का इंस्ट्रक्शन आएगा गवर्नमेंट से वो हिसाब से अपन आगे के भी जो बिलो 18 है या फिर 44 अबो है उनका भी अपन चालू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।